एनआरआई वाइब्स करके एक मूवी है दोस्तों। इसका एक्चुअली बात करें तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई इसके बारे में बात करो, इसका रिव्यू करो। तो देखो, ये रिलीज़ तो हुई नहीं है बहुत सी जगह पे, तो मैं इसका ट्विटर रिव्यूज़ को अगर मैं बात करूँ ना, ट्विटर रिव्यूज़ जो मैंने इसके देखे, 3, 1.5, 2, मैं स्टार्स बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, 3, 3.5, 1, 1, 2, बस मोस्टली मतलब 1, 2 ऐसे स्टार्स है, हार्डली 2, 3, 3, 3.5 ऐसे स्टार्स देखने को मिले हैं। तो देखो, ये आप पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जाके इसका ट्रेलर देखो इस मूवी का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, मुझे पता भी नहीं था ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, और मिक्स रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। पर 3 एंड 3.5 जो दो लोगों ने स्टार्स दिए हैं ना, उनका ये कहना है कि ये सच में मस्ट वॉच है। एनआरआई वाइफ्स करके नाम है इस मूवी का, और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं समहाउ ये जो 1-2 स्टार है ना, उन वालों से एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जो 3 और 3.5 स्टार्स वालों ने दिया है, जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप उन्होंने दिखाई है ना इस मूवी में, आप जाके पहले ट्रेलर देखो, एंड अगर आपके यहाँ पे ये मूवी रिलीज़ हुई हो तो आप ज़रूर देखो यार, ये यूथ ने तो देखनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। कीकू शारदा भी है इस मूवी में बाय द वे। एंड सच में यार, ये मैं तो थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई है ये, वरना यार ये मैं देख लेता बॉस, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है मुझे ट्रेलर से। तो यार आपके पास वक्त है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि देखो मैं बहुत हार्डली रिकमेंड करता हूँ कोई भी मूवी अगर मैंने नहीं देख पाया हूँ, मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई आप अपनी रिस्क पे देखिए, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है ये, आप ट्रेलर देखने के बाद आपको सच में लगेगा। हाँ, कुछ लोग डेफिनेटली OTT का ही इंतज़ार करेंगे, बट वो उनका इशू है। देखो यार, मिस मत करना, मुझे तो यही लगता है कि मज़ा आएगा आपको ये मूवी देखने के बाद।